राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं हूँ देवकोटी ग्राम, हिमाचल के देवकोटी ग्राम में, और पीछे जो आप टेम्पल देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, ये है बैरागढ़ वाली माता का मंदिर। बहुत शक्तिशाली माता है। बर्फ से ढकी हुई ये चोटियाँ, नदियों को हमेशा पिघलकर पानी देती हैं और इस प्रकृति को हरा भरा रखती हैं। कभी प्रकृति से मनुष्य को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है तो उसकी भूल है। जब प्रकृति को गुस्सा आता है तो प्रकृति बदला लेती है और हम उसको कुछ और समझते हैं। तो प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली यात्रा के लिए। माता बैरागढ़ वाली माता, प्राचीन एवं प्रसिद्ध ऐतिहासिक चामुंडा माता मंदिर देवी कोटी। और अब हम वापिस जा रहे हैं दूसरे सफर के लिए। मौसम अंगड़ाई ले रहा है, बादल छा रहे हैं, मस्त माहौल है। दोस्तों, दूसरा सफर शुरू हो चुका है और मौसम भी जो है बदल रहा है, बरसात की पूरी संभावना है। ये बारिश हमें भिगाए, उससे पहले हमें छत के नीचे पहुंचना है। खूबसूरत नजारा, खूबसूरत हिमाचल, देवभूमि से देवभूमि तक बहुत ही शानदार नजारा है। बहुत ही अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है, मेरा सौभाग्य है। कभी आइए, देखिए इस खूबसूरती को अपनी ही आंखों से। और अभी हम उठेंगे शायद बैरागढ़ में, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और आज यहाँ पे रुकने का प्रोग्राम बनाया, मन्नत होम स्टे। सारे होटल्स ही होटल्स हैं यहाँ पे। जय माता दी। और अब अपने दूसरे सफर को पूरा करने के लिए निकल चुके हैं। आप नज़ारा लीजिए, खूबसूरत नज़ारा, हिमाचल बैरागढ़। ठंडी ठंडी हवा, सूनी सड़क, चार दोस्त मंजिल की ओर। कहीं धूप है, कहीं छाव है,
जिंदगी भी इसी तरीके चलती है। नहीं नहीं चाहिए नहीं मुझे कुछ भी। अगर वीडियो में बोल दोनों तरफ हरियाली है और यहाँ ठंड बढ़ गई है। चेहरे का रंग बदलने लगा है ठंडी हवा से। यहां से पानी जंगल यदि आप एडवेंचर पसंद हैं तो यहाँ कैंप लगते हैं। सैफर्ड कैफे पर पर्सन 1,000 रुपया है, जिसमें आपको डिनर और ब्रेकफास्ट मिलेगा। यदि आप ग्रुप में आते हैं तो डिस्काउंट भी होगा। फाइव स्टार में तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस जगह बैठ के खाने का अपना ही मजा है। वहाँ एसी की हवा और यहाँ प्राकृतिक हवा, और जो है इसके अंदर में आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ का नजारा भाई, बूटे ले ले यार, तुझे मैं बोल रहा क्या ले लेते यार, बूटे की नहीं मिल रहा है, देख ये नहीं आंधी ला खींच। इस जगह का नाम है रानीकोट। एक बार रानी यहाँ पे रुकी थी और सुबह जाते वक्त वो अपना कोट भूल गई। बांगी जाने के बाद उन्हें याद आया कि मेरा कोट तो वहीं रह गया है, इसलिए तब से इस जगह का नाम हो गया है रानीकोट। आप शूट लेना तो ले लो। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं। लाजवाब नज़ारा है यहाँ से, देखिए रेस्टोरेंट। इन रेस्टोरेंट्स का अपना ही मज़ा है। प्रकृति की गोद में प्राकृतिक हवा।
क्या रोमांच आता है ऐसी जगह से निकलने पर। चट्टानी एरिया है, देखिए अभी भी यहाँ बर्फ जमी हुई है। यहाँ पे आपको लगे कि रुकना चाहिए आप बोल दीजिएगा। हो पक्का पक्का दिल ही नहीं आत्मा भी थर्राती है। झरना, कच्ची रोड, ऊपर से पत्थर, चट्टाने हैं, रोमांच। देखिए ग्लेशियर, यहां पर भगवान माता रानी, जय माता दी अपने आत्मा जो है खुद ही कहती है। बड़े बड़े फन्ने खाओ की यहां पे हवा खिसकती है। यकीन नहीं हो तो आइए हिमाचल, साच पास जा रहा हूं और ये रास्ता है। और मित्रों अभी हम हैं काला वन में। काला वन नाम क्यों रखा है, या पहले से ही काला वन था या बाद में रखा गया है, यहां पर एक स्मृति स्थल है, काला वन हत्याकांड सहित स्मारक, स्थापना वर्ष 14 सितंबर 2014। क्या हुआ था, कैसे हुआ, इसके लिए यहाँ के जो निवासी हैं मिस्टर विजय ठाकुर मेरे साथ में है, मैं उनकी ही जुबानी सुनाऊंगा कि यहाँ क्या हुआ था और उनको इसमें क्या नुकसान हुआ। विजय जी कृपया बताइए क्या हुआ था उस दौरान। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार मेरी ओर से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 अगस्त 1998 को लगभग सुबह के 3-4 बजे यहाँ पे आतंकवादियों द्वारा एक हमला किया गया, जिसमें यहाँ के लोकल एरिया के मजदूर लोग लगभग 29-30 लोगों को यहाँ पे मार गिराया था। कहते हैं कि ये कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि ये वाली जो रेंज सामने बताई जाती है ये जम्मू जेएंडके की रेंज है। यहाँ से आतंकवादी यहाँ पे आए थे और यहाँ के लोगों को 30-35 लोगों को मार कर चले गए थे। तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जब भी हम यहीं आज कभी भी आते हैं तो मेरे गांव से ही 3-4 लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं। इसकी स्टोरी काफी दिलचस्प है कि यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे एक ढाबा जैसा बना होता था एक टाइम पहले। यहाँ जैसे आतंकवादी आए, लोगों के 28-29 लोगों के हाथ बांध करके उनको फायर कर दिए थे और 20-22 बंदों को यहाँ पे मार गिराया था, जिसमें लगभग 3-4 मेरे गांव के ही थे और एक मेरे मामू थे, उनको लेके गए थे। एक नहीं बल्कि 7-8 लोगों को ले गए थे, बल्कि उनमें से एक मेरे मामू भी थे, जो जिनका आज तक ना जिंदा है ना मर चुके हैं, कि कोई अता पता नहीं है उनका। तो ये काफ़ी दुख की बात है। और इस नाम का कालापन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे घोर घोर जंगल हैं, घने घने जंगल हैं, जिस कारण रोशनी की काफ़ी उस समय से बड़े काफ़ी जंगल घने थे, इस कारण इसका नाम कालापन पड़ा है। तो मित्रों ये बहुत दुखद घटना यहाँ घटी थी। चलिए ये लाइफ है, हमें
सब कुछ देखना है और उसे बर्दाश्त भी करना है। जिंदगी यूं ही चलती रहती है, हमें अपने दुख बड़े नज़र आते हैं। नहीं मित्रों, दुख हमेशा दूसरे का बड़ा होता है। चलते हैं, आगे का सफर पूरा करते हैं। एक स्टोरी और है यहाँ। तो मित्रों, अब चल रहे हैं आगे के सफर के लिए। बने रहिए हमारे साथ। बीच में चलो माता रानी को याद रखो, इसी मुझे बचाएगी माता रानी। भोज पत्र आते होते ग्लेशियर, ये जो मैंने वाटरफॉल बताया ये आता है उस। और यदि आपको थकान महसूस हो यहाँ रुकिए, चाय पियेंगे। यदि आपके पास गर्म कपड़े नहीं हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये भाई साहब यहाँ पर मालिक हैं, यहाँ के जूते सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आगे पूरा बर्फ ही बर्फ आप देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आप कहेंगे वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल, लाजवाब, शानदार। मित्रों सब भूल जाओगे आप, यहाँ होगा ओ माँ, ओ पिताजी, ओ राम जी, ओ माता रानी, कैसे घर पहुँचूँ, ऐसा माहौल है दोस्तों। आप तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन मैं लाइव देख रहा हूँ, और जो फीलिंग्स मेरी हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रकृति, ये प्रकृति है साहब। हाँ, वीडियो लंबा होगा, नॉन स्टॉप चलेगा ये, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं, ये नज़ारे मुझे कह रहे हैं कि कैमरे को बंद मत करना। हम समय के साथ हम भी बदलते हैं, जैसे मनुष्य बदलता है
वैसे प्रकृति भी बदलती है। अगर ये यहाँ से खिसकेगा तो कई मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे जाएगा, जिसे कहते हैं एवलांच। ये बच्चे शूट कर रहे हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, और मैं भी शूट कर रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। देख लीजिए नज़ारा, कुदरत। यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है, एक कप चाय पियेंगे, जो शरीर में ठंड है उसे दूर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये नए मित्र हैं जो मेरी तरह घूमने के लिए निकले हैं। आप कहाँ से हैं सर? हम लोग राजस्थान गंगानगर। गंगानगर से राजस्थान? अभी अलवर सर्विस करते हैं। अलवर में, अलवर से यहाँ आए हैं। तो ठंड कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, काफी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, बेस्ट टूर। तो देखिए आप भी आइए, ये घूमना बेस्ट प्लेस फॉर विजिटिंग। तो ये रिकमेंड कर रहे हैं आपको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए, सबसे बेस्ट प्लेस है ये। कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड, हमारे देश में ही है स्विट्जरलैंड, सबसे बढ़िया भारत, बाकी सब। और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, कैमरे में जो जो खूबसूरती कैद कर सकूंगा करूंगा। खूबसूरत झरना, ऊपर एक बहुत बड़ी झील है तकरीबन 200 मीटर के आसपास, लेकिन दोस्तों ने बताया है कि भी वो जमी भी होगी, इसलिए वहां जाने का फायदा नहीं है। तो देखिए झरना, लाजवाब। खूबसूरत फूल, दोस्तों वीडियो लंबा जरूर होगा ये, किंतु आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अपना समय और पैसा बेकार किया है। पानी की ठंडे ठंडी फुहार हमारे ऊपर। रुकना यहाँ पे? नहीं नहीं, चलते रहो, नहीं रुकना। ना ना, लोग कहते ठंड होती है। ओ भाई बहादुर है आप तो बहुत। ठंड के कारण नाक से अब सूसू होने लगी है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं और मांगता है मोर मोर मोर। क्या नजारा है, गाने नहीं आते दोस्तों, बस ये देखो फूल, देखिए फूल जो मैदानी इलाकों में नहीं मिलेंगे। पैसा वसूल ट्रिप है ये दोस्तों, पैसा वसूल। अच्छे मित्र मिले, अच्छे नज़ारे मिले, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है।
आपको भी लग रहा लगेगा काश हम भी एक बार पहुंचे वहां पर। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, बस इतनी इतनी इतने ही गाना आता है मुझे बस, बाकी आप जोड़ लीजिए और अपने आप को खुद ही प्रफुल्लित कर लीजिए। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह वो कहीं पे नहीं। मैगी पॉइंट ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर चीज यहाँ पे उपलब्ध है। पानी का संगीत, और यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर द्वारा भी आ सकते हैं, यहाँ पे ये हेलीपैड है। नज़ारे प्रकृति के बनाए हुए नज़ारे, अभी हम पहुंचेंगे 4,414 मीटर की ऊंचाई पर, हमारी मंजिल वही है। और इस लेवल पर आके जहां पे अभी मैं खड़ा हूं, ठंडी हवा है और मेरे दाहिने कान के ऊपर यानी कनपट्टी पे हल्का हल्का सा दर्द महसूस होने लगा है। उसकी वजह यह है, एक तो यहां पर ऑक्सीजन लेवल कम है, दूसरा वनस्पति यहाँ पे बदल जाती है, उसमें बहुत सी होती हैं जहरीली, तो उसका ये असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने से चेहरे का रंग भी बदल रहा है। मज़ा आ रहा है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है दोस्तों, लेकिन नज़ारा कैसा लगा आपको ये आप बताएंगे। मैं तो भगवान को याद करता हुआ आ रहा हूँ। बहुत खतरनाक सड़कें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं अपने प्रभु को याद करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ और उन्हें याद करता हुआ ही वापस जाऊँगा। और सामने आप जो चोटी देख रहे हैं उसके पीछे जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से आप जम्मू एंड कश्मीर पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं इस रास्ते पे बहुत गंदगी जमी हुई है, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड को जितना कम रख सकें उतना रखिएगा, क्योंकि स्किड होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और यहाँ पे इतनी फिसलन है, बर्फ़ जमी हुई है और मुझे उतर के पैदल चल रहा हूँ, तो आप जान सकते हैं कि किस ऊंचाई पे हूँ और क्या माहौल है यहाँ पर।
दोस्तों जान हथेली पे रख के इस जगह का मजा लिया जा सकता है, सो मैं कर रहा हूँ। अभी देख रहे हैं क्या आलम है यहाँ पे, मुझे फिर उतरना पड़ा है। और यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, जय माता रानी, आशीर्वाद बनाए रखना, जो भी आता है सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता। और मित्रों ये है साच पास, हमारी मंजिल। इस रास्ते से आप मनाली लेह लद्दाख पहुंच सकते हैं। और आगे किस प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं उसका आइडिया आप मेरी यहाँ तक की यात्रा से लगा सकते हैं। लाजवाब कहें कुछ भी कहें, अभी मैं हूँ 4,414 मीटर की ऊंचाई पर। ऑक्सीजन की मात्रा कम है, मैं चल नहीं रहा हूँ सिर्फ खड़ा हूँ, फिर भी मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, खाली पेट हूँ शायद उस वजह से। यहाँ मेरे को लग रहा है जैसे एक वॉमिटिंग जो कहते हैं, माफ़ करना ये सब इस्तेमाल करने के लिए, मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। इन स्थानों पर आने के लिए कितनी फिटनेस चाहिए उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वीडियो लंबा है लेकिन पैसा वसूल है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है इसलिए खड़े खड़े भी सांस फूल रहा है। तो मित्रों कोई क्षमा हो, गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद।